लर्नर्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो बड़ी अहम वीडियो है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉट इज क्रिएटिविटी बात हो रही थी अपॉर्चुनिटी ऑपरचुनिटी रिक्नेशन की बात हो रही थी इनोवेशन की वहीं पर साथ साथ क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए ख़ास तौर पर अगर आप ऑनटरप्रन्योर हैं अच्छा क्रिएटिविटी है क्या इन जनरल हम क्रिएटिविटी को बात करते हैं इट्स अ यूज ऑफ इमेजिनेशन या हम बात करते हैं इट इज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग वेरी ओरिजिनल समथिंग वेरी अनयूजल तो हम कहते हैं कि इट्स इट्स क्रिएटिव लाइक हमें कोई बहुत हट के आइडिया देता है तो हम कहते हैं ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम क्रिएटिविटी को किस तरह से डिफाइन करता है बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम कहता है कि मेंटल करेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउज अ पर्सन टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स टू विच रिजल्ट इन इनोवेटिव और डिफरेंट अप्रोचेज टू पर्टिकुलर टास्क एक प्रॉब्लम है आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया एज एन अपॉर्चुनिटी और आपके पास अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने को प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करनी है और आपको उसके लिए इनोवेटिव होना है बिकॉज आपको अपने कंपेटिटर्स से अलग जो है वो आपको प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करनी है आउट परफॉर्म करना है अपने कंपेटिटर्स को सो ऑल यू नीड इज क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी क्या है क्रिएटिविटी इज अगैन जेनरेटिंग यूजफुल बट नोवल आइडिया आपके आइडिया आपके कंपेरिटर्स आपके बाकी साथियों से बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए बहुत सी किताबों में ये लिखा गया है कि जो अपॉर्चुनिटी रेकिग्नेशन है वो भी एक प्रोसेस एक पार्ट होता है क्रिएटिविटी प्रोसेस का अच्छा अगर हम देखना चाहें कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी क्रिएटिविटी को कितने स्टेज पर हम देख सकते हैं तो यूजली बुक्स आपकी जो बुक रेकमेंडेड है उसके अंदर क्रिएटिविटी को एज एन इंडिविजुअल लेवल फाइव स्टेजेस पर डिफाइन किया गया है दैट इज प्रपरेशन इनक्यूबेशन इन साइट इवेलुएशन और एलैबोरेशन अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे कि जो है हमारे पास प्रिपरेशन है फिर उसके बाद इनक्यूबेशन है फिर उसके बाद इन हैं उसके बाद इवेलुएशन है और एलैबरेशन है और अगर आप एलैबोरेशन में कोई कमी रह जाती है तो आप दोबारा प्रपरेशन स्टेज पे जाते हैं ये स्टेजेस बेसिकली है क्या देखें जहां तक ताल्लुक है प्रिपरेशन का तो याद रखिए आप क्रिएटिव कब होते हैं आपकी क्रिएटिविटी के अंदर आपकी अपनी पर्सनल जो एक आपकी पर्सनालिटी है आपकी अपनी थिंकिंग है आपका बैकग्राउंड आपका एक्सपीरियंस आपका नॉलेज जो आप लेकर आते हैं ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं प्रिप्रेटरिंग स्टेज के ऊपर ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं किसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं और आप आपके जहन में एक प्रोडक्ट एक सर्विस डिजाइन हो रही है तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही होता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है इंफॉर्मेशन है नॉलेज है तभी तो आप प्रोडक्ट भी डिजाइन कर रहे हैं और सर्विस भी डिजाइन कर रहे हैं उसके बाद आता है इंक्यूबेशन स्टेज इंक्यूबेशन सेंटर्स में बेसिकली क्या होता है इंक्यूबेशन में होता यह है कि आपके पास एक इंतहा रफ आइडिया होता है आप उस रफ आइडिया को उस इंक्यूबेशन स्टेज पे ले आते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं यानी वर्ड्स यू वर्क ऑन एन आइडिया और आप कोशिश ये करते हैं कि उस आइडिया को जितने बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप उसको डिफाइन करें उसको मेच्योर करें फिर आ जाती है इनसाइट्स इनसाइट्स क्या होता है वंस योर आइडिया इज मेच्योर यानी इन अदर वर्ड्स अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस डिजाइन कर रहे हैं किस मार्केट के लिए डिजाइन कर रहे हैं किस तरह के कस्टमर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं क्या क्या रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं और क्या आपका एक्सेस उन रिसोर्स तक है या नहीं है ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी इनसाइट स्टेज के ऊपर आ रही होती है और इनसाइट स्टेज के ऊपर ही वो एक्सपीरियंस आता है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ द आहा मोमेंट इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि हम बहुत खुश होते हैं हम बहुत जॉय फील करते हैं कि जब हम किसी भी एक आइडिया को बहुत वेल well डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद आती है एवेलुएशन स्टेज अब सब चीज़ें रेडी हैं आप खुश हो चुके हैं आपकी प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन हो चुकी है आप रिसोर्सेज भी पुल कर चुके हैं आपने जितना उस आइडिया को मेच्योर करना था वो कर चुके हैं अब आप शुरू करते हैं उसकी स्क्रूटनी उसकी इवेलुएशन उसकी वायबिलिटी और बाय वायबिलिटी हम बात कर रहे होते हैं कि आप फिर मार्केट असेसमेंट शुरू कर देते हैं खासतौर पर फाइनेंशियल वायबिलिटी आइडिया कितना ही अच्छा क्यों ना हो कितना ही एक्साइट आपको क्यों ना कर रहा हो कितना ही आहा मोमेंट आपके लिए क्यों ना लेकर आया हो जब तक वो फाइनेंशियल वायबल नहीं है तब तक ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया बिकॉज बिजनेस की बड़ी बेसिक डेफिनेशन क्या थी इट इज एन एक्टिविटी टू अर्न द प्रॉफिट अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है प्रोडक्ट बहुत वेल well डिफाइंड है सब आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन मार्केट में जाके वो आपके लिए प्रॉफिट पुल नहीं कर रहा इट्स नॉट अ गुड आइडिया सो अगेन इवेल्यूएशन के बाद आखिर में आ जाती है एलैबोरेशन एलैबोरेशन का मतलब यह होता है कि अब आपने पूरा का पूरा एक रोड मैप इन अदर वर्ड्स अगर आप आपने पढ़ने हैं बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स तो उस बिजनेस प्लान कंपोनेंट्स में आप जानते हैं आपकी पूरी एक मैनेजमेंट टीम तैयार होगी आपकी पूरी एक मार्केटिंग टीम तैयार होगी आप पूरी एक मार्केटिंग एफर्ट्स और कैंपेन चलाएंगे आपके पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो मैंटेन होंगे आप मार्केट में जा रहे होंगे आप मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कस्टमर्स के साथ कस्टमर्स की बात सुन रहे होंगे आपको रिजेक्शन मिल रही होंगी आपको एक्सेप्टेंस मिल रही होंगी आप प्रोडक्ट की जो जो कमी या सर्विस आपके सामने आ रही होगी उसको आप ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे इम्प्रूव कर रहे होंगे यानी कि पूरा डेवलपमेंट स्टेज आपका चल रहा होगा ये सारे फाइव फेजेस जो हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी और जहां कहीं आपको लगता है खासतौर पे इलेबोरेशन स्टेज में कोई कमी रह गई है तो अगेन आप दोबारा जाते हैं अपनी प्रिपरेशन स्टेज की तरफ और ये देखते हैं कि कहां पर कमी रह गई क्या इंफॉर्मेशन info, की कमी थी या नॉलेज की कमी थी या अभी आपको और अपने स्किल्स को और थोड़ा इंप्रूव करना है ताकि आप मार्केट में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें बट द कंक्लूजन इज क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हर एक के पास नहीं होती यानी कुछ लोग तो इस बात पर बिलीव करते हैं कि क्रिएटिविटी भी कोई इल्ड बिंड फीचर है और ये बॉन्ड फीचर होता है और इस क्रिएटिविटी को सीखा नहीं जा सकता आ, किसी हद हाँ तक बात दुरुस्त है लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हमने बहुत दफा बात की है नेचर और नर्चर की आपकी नेचर भी होती है कि आप हर दफा चीज को देख के उसमें से कोई नई चीज निकाल लेते हैं और आपका एन्वायरमेंट आपका नॉलेज आपके इर्द गिर्द आपके मैंटोर और आपको गाइड करने वाले लोग वो भी आपको ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ दे सकते हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी और इम्प्रूव हो इसके लिए मुख्य वर्कशॉप्स भी होती हैं ज़रूर देखिएगा कि किन वर्कशॉप्स में जाके अपनी क्रिएटिव सेंस जो है उसको तेज़ कर सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो